हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक के APS के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग इसका आईडी लेते हैं, APS आईडी लेते हैं या बैंकिंग आईडी लेते हैं, तो आप लोगों को इसमें कितना पैसा ट्रांजेक्शन करने पर या विड्रॉल करने पर आप लोगों को कितना कमीशन मिलता है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं बता दूं दोस्तों कि इंडिया के अंदर पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत जगह पर दोस्तों मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भारी संख्या में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन दोस्तों कमीशन लिस्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को अंतर देखने को मिल जा रही है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इन कंपनियों का आईडी लेना तो इस वीडियो को देख लीजिएगा पहले, क्योंकि कमीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमीशन ही नहीं मिलेगा तो आप लोग को काम करने का कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, पूरी चार्ट बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पर दोस्तों कौन से कंपनी में क्या मिलता है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक में आप लोग क्या मिलता है और एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लोगों को कमीशन क्या मिलता है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट सनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाके फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक APS के बारे में और जानते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक APS के बारे में। दोस्तों APS क्या होता है तो आप लोगों को पता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जानेंगे पूरी डिटेल में कि क्या क्या कमीशन आप लोग को इन कंपनियों द्वारा मिलता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो में वीडियो बना रहा हूँ 2023 और 2024 के मकसद से ही बना रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं पेटीएम पेमेंट बैंक और यहाँ पे हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक APS के बारे में, जहाँ पे दोस्तों दोनों कंपनियों के हम बारे में बात करेंगे, दोनों कमीशनों के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को कमीशन क्या मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देख सकते हैं मैं 2023-2024 दोनों लिख के रखा हूँ, ताकि आप लोगों को 2023 में भी अगर इसका आईडी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो चलिए पूरे बने रहेगा वीडियो पे, वीडियो बने रहेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कौन से कंपनियाँ दोनों में अपने आप में बेहतर है नहीं है, वो वीडियो को लास्ट में जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पहला ट्रांजेक्शन अगर आप 100 रुपये से लेके 499 रुपये तक करते हैं इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में, ठीक है। देखिए यह है पेटीएम पेमेंट बैंक, दूसरा आता है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका जो चार्ज है 0.25 पैसे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने 100 रुपये से लेकर 499 रुपये तो दोनों में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें 25 पैसे आप लोग को मिलेगा, और इसमें भी दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सेम मिल जा रहा है जो कि 25 रुपये, जो कि फिर से आप लोग को मतलब क्या पे 25 पैसे आप लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप लोग 500 रुपये से लेकर 999 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे पेटीएम पेमेंट द्वारा 1.5 रुपये का कमीशन मिलता है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 रुपये कमीशन मिलता है। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 999 रुपये ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को 1.5 रुपये एयरटेल पेमेंट बैंक भी दे रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों पेटीएम में 1000 रुपये से लेकर 1499 रुपये तक आप लोग विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को 2.5 मतलब 2.5 रुपये का कमीशन आप लोग को देखने को मिल जा रही है पेटीएम में। एयरटेल में हम बात करेंगे 1000 से लेकर 1499 रुपये तक ट्रांसफ़र आप लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो कि 2 रुपया कमीशन मिलेगा, मतलब यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे माइनस में और यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे प्लस में है, ठीक है। देख सकते हैं प्लस जो कि यहाँ पे पेटीएम आगे हो चुका है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अगर पेटीएम में दोस्तों 1500 से लेकर 1999 रुपये तक आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को 3.5 रुपये तक कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ हम एयरटेल में हम बात करेंगे 1500 से लेकर 1999 रुपये तक आप लोग विड्रॉल करते हैं तो आपको 3 रुपये मिलेगा, मतलब यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे यहाँ पर भी माइनस में है और यहाँ पर पेटीएम 50 पैसे प्लस में है, ठीक है। देख सकते हैं पेटीएम यहाँ पर प्लस में भी आ गया दो जगह पर। वहीं पे दोस्तों पेटीएम में 2000 रुपये से लेकर 2499 रुपये तक आप लोग जो कि विड्रॉल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो कि 4.5 रुपये का कमीशन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस पॉइंट आप लोग को 50 पैसे का देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी 2000 से लेकर 2599 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 4 रुपये का ओनली कमीशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि माइनस यहाँ पर भी तीन जगह से यहाँ पर एयरटेल मार खा रहा है, जहाँ पर यहाँ पर तीन जगह से कमीशन थोड़ा कमती देखने को आप लोग को मिल जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर 2500 रुपये से लेकर 2499 रुपये तक आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब 2500 रुपये मान के चलिए, तो यहाँ पर आपको 6 रुपये कमीशन मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी दोस्तों अगर बात कर लेते हैं
कि 2500 से लेकर 2999 रुपये तक ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें 2999 रुपये था, मैं सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2500 से लेकर 2999 रुपये तक ट्रांसफ़र करें तो ये भी कंपनी आप लोग को 6 रुपये दे रही है। और यहाँ पे 3000 से लेकर 10000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, देख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 रुपये आप लोग को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 7 रुपये का आपको कमीशन मिल जाता है, ठीक है। साथ साथ हम बात करते हैं एयरटेल में, अगर आप लोग 3000 से लेकर 10000 रुपये तक ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पे 8 रुपये मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 रुपया प्लस पॉइंट में आप लोग को देखने को मिल जाएगी और 1 रुपया यहाँ पे माइनस पॉइंट में देखने को मिल जा रही है, ठीक है। और ये कमीशन चार्ट आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एयरटेल बैंक और पेटीएम बैंक, ठीक है। दोनों में दोस्तों तीन जगह पे आप लोग को कहीं ना कहीं एयरटेल कम दे देता है, लेकिन अगर जोड़ा जाए तो 50 पैसे घटाने पर यहाँ पे 1 रुपया प्लस में हो गया था एयरटेल लास्ट में, और यहाँ पे 1 रुपया माइनस में हो गया। तो मतलब कुल मिला के दोनों पर मिलाया जाए तो मात्र आपको 50 पैसे का ही ज़्यादा कमीशन दोनों कंपनियों में देखने को मिल जा रही है, वो भी कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेटीएम 50 पैसे आपको एक्स्ट्रा दे रही है। तो आप लोगों के माइंड में अभी तक क्या चल रहा है कि हमें किनका आईडी लेना चाहिए, एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी लेना चाहिए या पेटीएम बैंक का आईडी लेना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खुद ही इतना समझदार है और आप लोग सब अपने समझदारी से दोनों में आप लोग सूझबूझ से दोनों का कमीशन में आप लोग को दिखा दिया और आपने अपने तरीक़ों से आप इस पर काम करना है। हमें जैसे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी लेना है या नहीं लेना है, पेटीएम पेमेंट बैंक का आईडी लेना है या नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पेटीएम में आप बहुत सारे जो काम कर सकते हैं, जैसे कि आप शॉपिंग हो गया, मतलब उसमें बहुत सारे काम जो होते हैं, इंश्योरेंस हो गया, रिचार्ज हो गया, उसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एयरटेल में कहीं ना कहीं थोड़ा सर्विस आप लोग को कम देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों आप लोग अपने विवेक से ही काम कीजिएगा। मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेटीएम का ले लीजिए, एयरटेल का लीजिए। अगर मैं बात करूँ तो अगर लेना चाहते हैं तो आप स्पाइस मनी का आईडी ले सकते हैं। क्यों स्पाइस मनी का बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही स्पाइस मनी का मैं रिटेलर हूँ और स्पाइस मनी भी चलाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, भारत वंदे मातरम।